आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। तेलंगाना के एक दंपति कलाकार लॉकडाउन के कारण पिछले कई महीनों से बरही में फंसे हुए। फिल्म वक्त बरही पश्चिमी पंचायत में प्लस टू उच्च विद्यालय के निर्मित बाजार शेड में अपने पुत्र रंजनी और पत्नी लक्ष्मी संग रह रहे हैं। इन्होंने बताया कि स्कूलों एवं अन्य जगहों पर जिम्नास्टिक का खेल और कलाकारी दिखाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, परंतु 23 मार्च से सभी स्कूल बंद हो जाने से हमारे धंधे बंद हो गए हैं। कोरोना की वजह से बाहर भी अपना कलाकारी नहीं दिखा पाते हैं, जिससे जीविकोपार्जन के सभी स्रोत बंद हो गए हैं और मजबूरन बरही में फंसा हूं। फिलवक्त बरही पश्चिमी पंचायत के कुछ नेक दिल इंसानों की मदद से किसी तरह परिवार का भोजन पानी चल रखा है। ये लोग अपने घर तेलंगाना जाना चाहते हैं, परंतु बस ट्रेन या हवाई जहाज अथवा कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास पैसे भी नहीं है। इस दंपति कलाकार ने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से मांग करते हुए घर जाने की गुहार लगाई। वहीं समाज सेवी भगवान के श्री पूर्व मुखिया शमशेर आलम ने उन्हें घर पहुंचाने के लिए फ्लाइट के लिए टिकट भी करवाए थे। इसी बीच में लॉकडाउन हो गया, सारे ट्रेन और फ्लाइट रद्द हो गई। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। नाम हुआ अंजनी पुत्र हुआ। कहाँ घर हुआ? तेलंगाना। पहले हमारा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट था, अब हो गया पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट। इधर बरही कैसे आए आप? बरही के अंदर ऐसे कि मैं कुछ आइटम दिखाता हूँ, जिम्नास्टिक। अच्छा। अभी यहाँ पर मैं आया था होली से पहले, यहाँ पर स्कूलों में कॉलेजों में एग्जाम चल रहा था, और एग्जाम के बाद मैंने कुछ बात भी किया था, प्रिंसिपल ने बोला कि एग्जाम के बाद में आपका शो करवाएंगे। एग्जाम होने के बाद में फिर ये लॉकडाउन चालू हो गया, और इसलिए यहाँ पर मैं फंस गया। अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी कोई साधन नहीं मिल गया। अभी 5 महीना पार हो गया मेरे को घर। तो आप लोग सिर्फ दो ही को हैं? आप दोनों हैं। तो आपको इसे खाना वगैरह की व्यवस्था कौन करवाए? अभी खाना पीने के लिए अभी ये मोहल्ले वाले, इधर बस्ती वाले, ये हमारी मदद कर रहे हैं। घर जाना चाहते हैं आप? जी, घर जाना चाहते हैं। व्यवस्था की गई थी क्या? हाँ, किया था। कौन किए थे? ये शमशेर भाई साहब ने। हाँ। और उनका नाम क्या था? भगवान कैसे है। ये दोनों भाई साहब मिलकर मेरा प्लेन का टिकट भी निकाले थे। फिर क्या हुआ? फिर वो गया वहाँ से, फिर ये लॉकडाउन ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा। फिर वो कैंसिल हो गया मेरा। फिर बोला कि यहाँ से तुम रांची से पटना जाओ, पटना से